खेल में जीतता है हारता है, लेकिन हमारी पतंग सबसे ऊंचाई पे है। और ये परंपरा को कायम करने के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे तीज त्यौहार हमारे रिचुअल नहीं भूले, इसीलिए हम सब जन्माष्टमी में दही हंडी प्रतियोगिता करते हैं, होली में कवि सम्मेलन करते हैं, मकर संक्रांति में पतंग उड़ाते हैं। और ये पतंग एक विकास की पतंग है, और ये पतंग की डोर है वो लंबी विकास की रेखा खींचे। और ये आज इस बार 12वां वर्ष है, 2 वर्ष कोरोना काल में नहीं हुआ, और इसका उद्घाटन परम आदरणीय रामदेव बाबा जी ने आज से 13 साल पहले अरगोड़ा चौक में किया था, अरगोड़ा चौक मैदान में, और वो निरंतर चलता रहा, लेकिन 2 साल गैप हो गया, और इस बार भी छोटे रूप में हम सब कर रहे हैं। एक मैसेज कि हमको भी विकास की उड़ान ऐसे ही करनी है जैसे पतंग की उड़ाई ऊंचाई, और ये पतंग जो आसमां छूती है, विकास भी आसमां छुए, यही एक आज संदेश है। और इस पतंगोत्सव में, नव पतंगोत्सव में हम सब खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि अब तो नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, ऐसे तो कैलेंडर वर्ष है, लेकिन आज से उत्तरायण है। और जिस तरह हम कहते हैं कि मकर के बाद गर्मी शरद ऋतु है, शांत शुरुआत हो जाती है, और धीरे 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 तापमान बढ़ता है, तो आज उत्सव पे हम सब मकर संक्रांति पे उत्सव मना रहे हैं। पतंग आपकी पतंग कब गई? खेल है, खेल में एक जीतता है हारता है, लेकिन हमारी पतंग सबसे ऊंचाई पे गई, आसमां के आसमां को छूती हुई गई, और फिर कटी। तो एक दिन तो कटी नहीं है, तो ये प्रकृति का नियम है कि एक पृथ्वी पे आता है और फिर वापिस भी जाता है, लेकिन हमने ऊंचाई छू। और ईश्वर से प्रार्थना है कि विकास की ऐसे ही ऊंचाई हम राशि लोकसभा में छुए, ताकि आने वाले सालों में आम जनता जो है उस ऊंचाई को देख सके, उस विकास को देख सके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।